सत श्री अकाल, नमस्कार, हैलो एंड वेलकम टू देखा खाना विद प्रभजीत करजा। यस मेरे प्यारे मन, आज रात को चल जाएगा कीजो क्लब में शैंपेन शावर्स पार्टी है और अपने ड्रीम शो को स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जा। सेकंड ईयर का एंट्री कैसे, क्या क्वेश्चन पूछने हैं, उसकी रेस्ट रेडी है यार। मन नहीं, मैं शो फिर कभी शुरू कर लूंगा, मेरे प्रोजेक्ट की डेडलाइन कल तक की है। अगर मैंने ये प्रेजेंटेशन आज रात तक खत्म नहीं करी तो कल के अप्रैल में मेरा मैनेजर मुझे सैलरी हाइक नहीं देगा, जिसकी मैं वेट 2 साल से कर रहा हूँ। और तेरा पैशन तो टेलीविजन में होस्टिंग करने का है, अगर प्रोफेशन के चक्कर में पैशन को भूल गया तो जो ऊंचे सपने लिए वो तो क्रैश कर जाएंगे ना। दोनों को इक्वली प्रायोरिटाइज कर अगर लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है। और पैशन से घर नहीं चलता, पेट नहीं बलता, और दोनों को साथ लेके चलूंगा ना तो ना इधर करूंगा ना उधर का। और प्रोफेशन से कुछ नहीं मिलती, जीने की वजह नहीं मिलती। और कुत्ता तो घर का ना घाट का तो वैसे भी है, क्योंकि आईटी कंपनी तेरे को संडे को भी जुबान के रखा हुआ है। हेलो, गुड आफ्टरनून सर, प्रभजीत गर्चा दिस साइड। सर मुझे ना शाम को एक शो होस्ट करना है 9 बजे, तो आप ये प्रेजेंटेशन कोडिंग का काम किसी और एम्प्लॉय को दे सकते हो? मैं शो से वापस आके कंपाइल कर लूँगा। यस सर, क्लाइंट को प्रोजेक्ट की फीचर्स की डेमो मैं ही दूंगा, आपको पता ही है सर कम्युनिकेशन स्किल्स तो मेरा ऐड ऑन है। आई नो सर, मन को मारना पड़ता है पर कभी कभी मन मानता नहीं है। चलो सर, फिर कभी शुरू कर लूंगा उसकी मैं। सर इस प्रोजेक्ट में ना एक रन टाइम एरर आ रहा है, मैं आपको सारी डिटेल सेंड कर देता हूँ, आप प्लीज सर एक बार चेक कर लो। यस सर, सुबह की मीटिंग में डिस्कस कर लेंगे। बाय सर, सी। सर मान नहीं रहे हैं, अब डिस्टर्ब मत कर। ओ, 1 घंटे का तो शो है, और अगली बार कौन सा देखो तेरा मैनेजर जाने देगा। चल एक बार बता, अगर अपनी करेगा फिर कब करेगा? चल हो रहा हूँ रेडी, लेकिन अगर कल कोई प्रॉब्लम हुई ना तो मंत्र को पक्का मारूंगा। रेडी होकर मुझे क्वेश्चंस की लिस्ट बनानी है और कैमरामैन निशांत सिंह बिल्डर को फोन करके इन्फॉर्म करना है। और इस लिस्ट तो रेडी है, हम निशांत सिंह बिल्डर को फोन कर देता हूँ। हेलो निशांत भाई, रेडी है? हाँ, शो से 1 घंटे पहले मिलते हैं 8 बजे। हाँ, क्लब के बाहर का माहौल वगैरह देख लेंगे और अगर क्राउड बहुत बढ़िया तो तभी सारे सीन शूट कर लेंगे। हाँ तो सेक्टर 26 पहुंच के मुझे फोन करेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय। हाँ सब रिकॉर्डिंग है। ऑन स्टार्ट। नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू दी खप खाना विद प्रभजीत गर्चा। अज अं पहुंच गए हैं क्लब्स के बाहर, इतने बहुत ही खप्पी ऑडियंस होती है। चलो एक एक करके गल करते हैं, आप वादे देखते हैं कि कर सकते हैं। आ जाओ, रंजीत बाबा जी लोग पार्ट करना है। चलो आ जाओ, बड़े कप्पी से मिलते। हमारे अंदर की आवाज़ को मन कहते हैं, पर कभी मन कहता है कि पैशन फॉलो कर और कभी कहता है कि प्रोफेशन पे ध्यान दे। ये मन दो बातें क्यों करता है, एक बात पे क्यों नहीं टिकता? उस दिन मुझे समझ आया कि हमारा मन दो हिस्सों में बटा हुआ है, पॉजिटिव मन एंड नेगेटिव मन। मन हमें वो करने को कहता है जो बातें हम उससे कभी ना कभी करते हैं,
और जैसी हमारी थिंकिंग है वैसी मन रिएक्ट करता है। अगर मन को नहीं रोका तो ये हदें पार कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए मन को मार लो, पर कभी कभी हमें ये नहीं पता चलता कि कौन से मन को मारने का फ़ायदा है। तो आखिरकार नेगेटिव मन ने पॉजिटिव मन को मारने का फैसला कर लिया। क्या मन को मारना चाहिए? Dear Prabhjit Garcha, congratulations. By looking at your recent efforts and overall annual performance in this project as a software engineer, our company is pleased to extend you an offer with 5% hike in your present salary package. Taliyan. Mere colleagues ko 30% salary hike mili hai. Maine kal kaha tha na ki agar mujhe kuch problem hui तो मन में तुझे पक्का मारूंगा। और तेरी प्रेजेंटेशन ही खराब हुई है, पर शो तो बढ़ गया ना। तो कल शो के बाद तूने शराब क्यों पी? मैं तुझे मना करता रहा ना कि मत पी। अब सुबह की हैंगओवर की वजह से तेरी प्रेजेंटेशन की परफॉर्मेंस डिग्रेड हुई है, तो इसमें मुझे को ब्लेम कर रहा है? पहले अपने आप को मारना सीख। जितना सैलरी पैकेज मिला है ना उसमें सेटिस्फेक्शन ढूंढ, क्योंकि अब मुझे मार के कोसते 30% सैलरी आपको मिलने वाली है। मिल जाएगी। मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि अगले अप्रेजल तक अगर मैंने होस्टिंग छोड़कर कंपनी के लिए बढ़िया परफॉर्म किया तो मुझे सिर्फ सैलरी हाइक नहीं बल्कि प्रमोशन भी मिल जाएगी। ग्रीड, ईगो, जेलसी, एंगर, हेटेड, लस्ट, एडिक्शन, फियर, अट्रैक्शन, ये सब तेरे फीचर्स हैं। इन सब कामों में ना इनिशियली मजा है, पर एंड रिजल्ट हमेशा लॉस है। जब तू ये चीजें करता है तब तो मैंने तुझे कभी नहीं मारा, और जहां तुझे मेरे कहने में थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ गया, मेहनत में कष्ट काटना पड़ गया, जहां आगे जाकर ग्रेंटेड प्रॉफिट है वहां तूने मेरे को बड़ी जल्दी मारने का प्लान बना लिया। योर मैनेजर इज प्लेइंग यू टू किल योर ड्रीम्स सो दैट यू कैन वर्क फॉर द ड्रीम ऑफ अ कंपनी। जिसको तू जेलसी बोल रहा है ना उसको प्रोफेशन में कॉम्पिटिशन कहते हैं। और ग्रीड में कहां लॉस है? मुझे तेरे को मारने के बाद कंपनी ने बहुत फायदे देने, और भूखे मरने से अच्छा ना अपने ड्रीम्स को मार लो। मेरी लाइफ का एम मुझे साफ दिख रहा है, कोई आखिरी ख्वाहिश? हाँ, मैं तुझे कोई कष्ट नहीं देना चाहता। ला, मैं अपने आप को मार लेता हूं। पर इसे तू मेरा सुसाइड ना समझियो। कंपनी इज गिविंग यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर योर ओन मर्डर, क्योंकि जैसे ही मैं मरा जो मेरे पास फीचर्स हैं जैसे कि पैशन, लव, हैप्पीनेस, इंट्यूशन, करेज, डिजायर, अम्बिशन, विल पावर, वो सब मर जाएंगे। तेरे को तेरी किसी भी अचीवमेंट पर एक्साइटमेंट नहीं होगी, किसी भी ह्यूमन के लिए फीलिंग नहीं होगी, सारी लाइफ मूड खराब रहेगा, सही कर रहा है गलत को इंसेंस नहीं आएंगे। अगर लाइफ में कोई प्रेशर सिचुएशन आ गई उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, फिर डिप्रेशन का क्या करेगा? अगर उसको ना मार पाया तो तुझे मारेगा। आदमी जीते जी तब मरता है जब उसका मन मरता है। मैं अपने आप को कंट्रोल कर लूंगा। मेरी जो तो भटकने की प्रॉब्लम है वो मेडिटेशन से ठीक हो जाएगी, और इसकी सिचुएशन भी शायद इसी से फेस हो जाएगी। और मन की शांति के लिए मैं पाठ पूजा करूंगा और हॉबीज ढूंढ लूंगा। तू अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर तू अपने आप को कंट्रोल कर सकता ना तो किसी कंपनी के मैनेजर के कहने पर मुझे बाहर नहीं बनाता। प्रोफेशन जिंदगी की मजबूरी है और पैशन जिंदगी का मकसद, पहले ये समझ। मैं तुझे आई टी जॉब करने से रोक रहा, तू मुझे होस्टिंग करने से रोक रहा है। मेरे होस्टिंग के पैशन को ना अपने आई टी के प्रोफेशन से सपोर्ट कर, ताकि एक दिन ऐसा आए कि अपना पैशन ही अपना प्रोफेशन बन जाए। जिस दिन ऐसा होगा ना हम दोनों में से एक ही आवाज निकलेगी, मतलब हम दोनों एक हो जाएंगे। मन को मार ना, कंट्रोल कर, तो या कहीं टारगेट अचीव होगा, और तुझे सिर्फ मैं ही कंट्रोल कर सकता हूँ। ला, अपने आप को सरेंडर कर दे। ला, अब मेरी लाइफ का एम पता क्या है? सत श्री अकाल, नमस्कार, हेलो, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त प्रभजीत गर्चा साइनिंग इन फॉर।